नमस्कार, विभाग में आपका स्वागत है। उमर खालिद को लेकर इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय गरमाया हुआ है। विभाग में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दिल्ली के संपादक जयदीप करणी। जयदीप जी, रामदास कॉलेज में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद को बुलाने का विरोध क्या जायज है? देखिए, ये एक मसला है जो लंबे समय से चला आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिल्ली विश्वविद्यालय में, रामदास कॉलेज में उमर खालिद को क्यों बुलाया गया, वो क्या लेक्चर देना चाहते थे। सबसे बड़ी बात यह कि उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। वो अभी केवल कुछ शर्तों पर जमानत पर रिहा हुए हैं, लेकिन उनको अभी निर्दोष करार नहीं दिया गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि फिलहाल बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि उनकी जो जमानत की सबसे बड़ी शर्त है वो ये है कि वो किसी भी तरह का उत्तेजक भाषण या भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, और वो कुछ ऐसी बातें पूर्व में कर चुके हैं जिससे पहले ही उनकी रिहाई खतरे में है। तो मुझे लगता है कि इस विवाद से बचा जा सकता है। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के लोगों का विरोध कर इन्हें और हीरो बनाया जा रहा है? ये भी एक है कि जैसे देखिए, कन्हैया कुमार का इतना विरोध हुआ तो वो पूरे देश में पहचान गए। आज कन्हैया कुमार कहाँ है, राष्ट्रीय मसलों पर उनकी क्या राय है, देश को लेकर वो क्या सोचते हैं, जानने को नहीं मिल रहा। लेकिन जेएनयू विवाद में वो इतने बड़े हीरो बन गए कि सारी तरफ उनका ही चर्चा था। ऐसे ही आज उमर खालिद रिहाई पर है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या गतिविधि है, मीडिया ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन जैसे ही उन्हें रामदास कॉलेज में बुलाया गया, विवाद हुआ और देखिए उनकी चर्चा सब जगह हो रही है। सोशल मीडिया में कारगिल के शहीद की बेटी की चर्चा में है। उनका यह कहना कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा है, कहां तक सही है? देखिए, ये उनका बहुत पुराना वक्तव्य था जिसको वर्तमान घटना से जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा कांड होने के बाद उन्होंने एबीवीपी ने चूंकि इसका विरोध किया था, और एबीवीपी के विरोध की वजह से उन्होंने एबीवीपी के विरोध में कुछ गतिविधियां चलाई हैं। तो लोगों ने उनके पुराने इस वक्तव्य को ढूंढा जब उन्होंने कहा था कि उनके पिता को पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने मारा। युद्ध लेकिन किया किसने था? युद्ध तो पाकिस्तान ने किया था। करगिल में घुसपैठ किसने की थी? पाकिस्तान ने की थी। हमें युद्ध पर मजबूर, तो निश्चित तौर पर युद्ध किसी किन्हीं दो देशों में हो रहा हो, चाहे वो अमेरिका और इराक के बीच हुआ और अमेरिका ने इराक पर जाकर हमला किया हो, लेकिन जो लोग मारे गए वो तो निश्चित ही युद्ध की विभीषिका से मारे गए। लेकिन आप ये माने कि इस वजह से पाकिस्तान निर्दोष है तो वो भी गलत है। लेकिन आप कहते हैं कि युद्ध की वजह से मरे, हाँ युद्ध की वजह से मरे, युद्ध किसने किया, क्यों करवाया, उन सवालों में भी जाना होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में इन दो गलत चीजों को जोड़ा जा रहा है। वो अगर एक शहीद की बेटी है, उनके पिता करगिल में शहीद हुए हैं, तो वो एक राष्ट्रनायक, एक राष्ट्र के वीर सच्चे सपूत की बेटी है, और एक शहीद की बेटी के रूप में जो सम्मान उनको हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो निश्चित मिलना चाहिए। अगर उन्हें किसी ने बलात्कार की धमकी दी है, वो बहुत ही शर्मनाक है, गलत है। इससे आगे मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा जो मसला है, राष्ट्रद्रोह वाला, कन्हैया वाला, उमर खालिद वाला, ये मसला दरअसल दो छात्र संगठनों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का भी मसला है। ऐसा जो वामपंथियों का संगठन है और एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है, थोड़ा सा उनके कट्टरपंथी, इनके भी विचार हैं, उनके वामपंथ को लेकर कट्टरपंथी विचार है, और इन दो विचारधाराओं के और विश्वविद्यालय के कैंपसों में वर्चस्व बनाने की लड़ाई के जो झगड़े हैं वो दरअसल इतने बड़े बनते जा रहे हैं कि वो सारे राष्ट्र को गिरफ्त में ले रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो लड़की है गुरमीत, इनको इससे बचना चाहिए था कि इस विवाद में, ये राजनीतिक वर्चस्व के विवाद में, वो इस तरीके से अपने आप को न प्रस्तुत करें जिससे वो खुद ही एक शिकार बन जाए। उनको जिस तरीके से धमकाया जा रहा है वो गलत है। अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत है। उन पर कोई भी इस तरह के हमले करता है जिससे उनकी जो पूरी वर्चस्व है, उनकी अस्तित्व है, उस पर कोई आंच आती, वो गलत है। अगर उनके पिता के बारे में कोई गलत बात करता है उसको घसीटा नहीं जाना चाहिए, वो बिल्कुल अलग बात है। उन्होंने पूर्व में अपने पिता को लेकर कोई वक्तव्य अगर दिया भी था तो उसको एबीवीपी और आयशा की लड़ाई का हिस्सा बनाना बहुत गलत है। लेकिन जहां तक उमर खालिद का सवाल है, अगर उनको रामदास कॉलेज में बुलाया गया, उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप है, उसके बावजूद भी लोग अगर उनको सुनना चाहते थे, किस हैसियत के हक में सुनना चाहते थे, ये बात सही है कि अगर वो निर्दोष नहीं साबित हुए तो वो दोषी भी साबित नहीं हुए। अगर वो पूरी तरह से दोषी साबित नहीं हुए तो एक नागरिक के नाते उनके जो अधिकार हैं उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। भाजपा के ही एक सांसद ने गुरमेहर की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी है, ये अतिवाद है। मुझे ये लगता है कि हम लोग जब रोहित वेमुला पर, अखलाक के दादरी कांड पर, दूसरे अन्य घटनाओं पर लगातार जब बातें करते हैं तो हम अतिवाद की तरफ चले जाते हैं। हम उन घटनाओं को, उस स्थानीय घटना के परिप्रेक्ष्य में, रोहित वेमुला किस दौर से गुजर रहा था, उसने क्यों आत्महत्या की, उसको उससे देखने के बजाय दलित छात्रों का मसला उसको बना दिया। इसी तरीके से हमने अखलाक के मसले को समस्त अल्पसंख्यकों का और गाय के मांस का मसला बना दिया, वैसे ही हमने इस राष्ट्रद्रोह के मसले को इतना बड़ा कर दिया। और अब कि जो गुरमेहर है लड़की, उसके और दाऊद की तुलना करते हुए फोटो सोशल मीडिया, हम लोग
मुझे लगता है कि बोरा जाते हैं कुछ मामलों को लेकर हम इस हद पर चले जाते हैं कि हमारी विचार शक्ति शून्य हो जाती है, हम विवेकशील विचारों से आगे जाकर सोशल मीडिया का कुछ तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं कि मूल मुद्दा कहीं पीछे रह जाता है और उस मुद्दे से उपजने वाले विवाद बहुत बड़े हो जाते हैं। मूल मुद्दा यह है कि एक राष्ट्रद्रोह को लेकर विवाद हुआ था, उस विवाद में कुछ तथ्य थे कि कुछ लोग आए उन्होंने राष्ट्र के विरोध में, देश के विरोध में, कश्मीर के समर्थन में, कश्मीर के अलग हो जाने के समर्थन में नारे लगाए, ऐसा हुआ था तो वो गलत था। अगर उमर खालिद ने किया तो उसको सजा मिले, उसके साथ बाहर से लोग आए थे उन्होंने किया तो पुलिस काम करे, दूसरी जांच एजेंसियां काम करे, उनको सजा दिलवाए। लेकिन इसके बीच में जब एबीवीपी और आईसा की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चालू हो जाती है, उसमें राष्ट्रवाद का मजम्मत ला दिया जाता है, उसमें राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट जारी होने लगते हैं तो बहुत गलत है। तो कई बार हम मूल मुद्दों को इतना बड़ा पीछे छोड़ देते हैं और उससे जुड़े विवादों को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम मूल मुद्दा क्या है भूल जाते हैं। देखिए मूल मुद्दा यह है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारेबाजी की घटनाएं हुई, उसके वीडियो सामने आए, कुछ गलत वीडियो फुटेज भी सामने आए, कुछ सही वीडियो फुटेज की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है, उसके बाद कुछ लोगों को पाया गया कि वो इस तरह की गतिविधि में शामिल थे, उमर खालिद पर भी आरोप लगा था, वो जेल भी गए उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उनको इन शर्तों पर छोड़ा गया है कि वो कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण या राष्ट्र के खिलाफ बातचीत नहीं करेंगे। ये सारे तथ्य हैं। अब इन तथ्यों से परे जाकर आप देखिए कि ये जो सारा मसला हुआ था जेएनयू का, ये आईसा और एबीवीपी जो दो छात्र संगठन है इनके बीच में राजनीतिक लड़ाई का भी कारण बना था और दोनों ने ही इस मुद्दे को अपने अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश की थी। वहीं से बात ये रामदेश कॉलेज के आयोजन तक पहुंची, जब इस आयोजन की जानकारी एबीवीपी को मिली तो उन्होंने विरोध किया। एबीवीपी उमर खालिद का उनके द्वारा इस तरह की गतिविधियों तथाकथित रूप से इन गतिविधियों में शामिल होने का विरोध एबीवीपी शुरू से करती आई है, तो महज कार्यक्रम का विरोध नहीं था। एबीवीपी ने एक राजनीतिक पक्ष लिया है, उसी पक्ष को आगे बढ़ा रही है। यह स्टैंड उनका आज का नहीं है, यह स्टैंड उनका पहले से है। तो उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगा कि एबीवीपी को यह विरोध नहीं करना चाहिए, तो ये गुरमेहर कौर जो है उन्होंने एक पोस्टर जारी किया कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा है और वो एबीवीपी से नहीं डरती। ठीक बात है, एबीवीपी से ना किसी को डरना चाहिए ना एबीवीपी को किसी को डराना चाहिए। अगर वो छात्रों का संगठन है खासतौर पर, तो छात्रों में भय की बजाय विश्वास पैदा करने की कोई। लेकिन जब विवाद उसके आगे जाता है गुरमेंद्र कौन है, उसके उनके पिता अगर एक शहीद है, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको घसीटा जाना, उसमें दाऊद को घसीटा जाना, तो क्या था मूल मुद्दा? क्या था मूल मुद्दा? यह था कि एबीवीपी ने वहां पर उमर खालिद का कार्यक्रम कराए जाने का विरोध किया था। तो कार्यक्रम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कार्यक्रम करवाया जाना सही था कि नहीं था, उमर खालिद क्या इसके पहले कोई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जो वो शायद इस कॉलेज में भी जाकर दे देते, इस मुद्दे तक हम इस बात को सीमित रखें तो बेहतर होगा। हम इन मुद्दों से परे जाकर जब विवाद को बड़ा बना देते हैं तो मुद्दे अटक जाते हैं। यानी कि देश में इस तरह का माहौल बार बार बनता है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए उन तत्वों को जो इस तरह के मुद्दों को गर्म रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। उनका दरअसल हित ही इस बात में सत्ता है कि इस तरह के विवाद उछलते रहे, वो बड़े होते रहे, इन विवादों की आज पर उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे, वो बड़े नेता कहलाए, वो ज्यादा पहचाने जाए। आप देखिए जब इस तरह विवाद होते हैं तो ही ये लोग चर्चा में आते हैं। इस छात्र संगठन के लोगों को बुलाया जाता है, आईसा को बुलाया जाता है, वो आपस में बात करते हैं, मुद्दों को लेकर बहस करते हैं और उनको उसकी वजह से जो प्रचार मिलता है, जो पब्लिसिटी मिलती है, वो उनके लिए बेहद जरूरी है। हमें समझना चाहिए कि इन मुद्दों की आड़ में कोई ना कोई अपना स्वार्थ साध रहा है और उस स्वार्थ को साधने देने से अगर देश का माहौल बिगड़ता है तो हमें उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। गुरमेहर जी ने अच्छा किया कि एक छात्र होने के नाते उन्होंने अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की, लेकिन इसके बदले में अगर उन्हें प्रताड़ना मिल रही है, उनको बलात्कार की धमकियां मिल रही है, तो ये दुखद है। हमें मुद्दों को, अगर उनको लगा था कि विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ रहा है और उससे भय खाने की बजाय उन्हें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, तो वो स्वतंत्र है। इसके आगे अगर उनको धमकी तक, उनके पिताजी तक हम ले जाते हैं मुद्दों को, बहुत शर्मनाक है, गलत है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय में उमर खालिद पर एबीवीपी विवाद की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।